हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ यह है आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या होने वाली है। हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। मैं चाहूंगी आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लें ताकि उनकी एनर्जीज को हम पिक करें, ठीक है? कुछ लोग मुझे बोलते हैं दी आप लोग जो है प्री रिकॉर्ड करते हैं इस वीडियो को, हमारी एनर्जीज कैसे क्या हमारे ध्यान करने से चेंज हो जाएंगी। देखो, ये ध्यान करने का मतलब पता है क्या होता है? ध्यान करने का मतलब ये होता है कि आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस रीडिंग में आपके मन के जो सवाल हैं, आपके मन में जो रेस्टलेसनेस है, जो बेचैनी है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। जब आप उस व्यक्ति का ध्यान करते हैं तो आप ये समझ कर इस रीडिंग को देखते हैं कि यार ये पर्सन के बारे में मुझे ये नहीं, कोई फलाना टैरो रीडर नहीं, मेरे ईश्वर का संदेश मुझे मिल रहा है, मेरे भगवान मुझे संदेश दे रहे हैं, मेरे एंजल्स मुझे संदेश दे रहे हैं, ठीक है? सो इस तरीके से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन अगर ये संदेश, ये मैसेज आपके लिए बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करता, कनेक्ट नहीं करता, तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा संदेश नहीं हो सकता, ये मेरे बारे में तो नहीं हो सकता, इसीलिए फिर आपको आइडिया लग जाता है, फिर वो रीडिंग आपकी नहीं, आप किसी और रीडिंग को स्विच करते हैं, ठीक है? जरूर नहीं मेरी। तो यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड होने से मतलब नहीं। आप फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं सुबह ही चेक कर लेती हूँ डेली बेसिस पे कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा, ठीक है? कार्ड्स के जरिए, कभी अपने कैंडल या बोल के जरिए, कभी कुछ और मेथड्स के जरिए, मेरी एक हैबिट है, ठीक है? तो पूरा दिन कैसा निकलेगा मैं कार्ड पिक कर लेती हूँ। अब अगर सुबह फॉर एन एग्जाम्पल कार्ड आया दी हैंगमैन, ठीक है, हैंगमैन स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आज के दिन मेरा पूरा स्पिरिचुअल रहेगा, तो एक बात मुझे बताएं, क्या ऐसा हो जाएगा कि मैं थोड़े घंटे बाद अगर कुछ घंटे निकल जाए तो वो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी? नहीं ना, क्योंकि वो पूरे दिन की एनर्जी थी। सिमिलरली ये रीडिंग जब बनाई जाती है तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को अंदर ही अंदर मन में प्रार्थना करते हैं कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, और इसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहा है उसे उसके मन के सवाल का जवाब मिल जाए। उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन कर देते हैं हम लोग कि भाई ये आपके सवाल का जवाब हो सकता है। यदि आपका सवाल या आपका आंसर नहीं होता तो आप अंदर से ही एक इंट्यूशन में आ जाते हैं, जहाँ पर आपको हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ जाती है और फील होता है कि नहीं, ये मेरी रीडिंग नहीं हो सकती, या ये मेरे बारे में नहीं हो सकता, या यस ये मेरे बारे में ही है, मेरा व्यक्ति ऐसा ही है या ऐसी ही है, ठीक है? तो कनेक्शन मिल जाता है। ज़्यादा डिटेल में हम तब जानते हैं जब आपकी पर्सनल रीडिंग करते हैं, तब हम कार्ड्स और तब आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न, वेदिक सब चेक करने के बाद एक फाइनल डिसीजन पे आते हैं, ठीक है? तो वो एक अलग मेथड रहता है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए, एनर्जीज में जो है आप जब चेक कर रहे होते हो तो हमारा पहले से ही इसमें एनर्जी देने का एक कार्य रहता है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं, जो हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं। अब जैसे ये वाटर जो यूज़ हुआ है, ये स्पिरिचुअल वाटर यूज़ हुआ है, ठीक है? यहाँ पर हमने मेडिटेट कर लिया रीडिंग को शुरू करने से पहले। आपकी एनर्जीज ग्रैप करने के लिए हमने ईश्वर से संदेश मांगा कि ईश्वर आप गाइड करें, ठीक है? तो आप अगर इसको 2 साल बाद भी देखेंगे, अचानक से वीडियो आपके सामने आई, तो इसे आप ये मानकर चलें कि ईश्वर ने आपको जानबूझ के ये वीडियो दिखाया और आपको बताने की कुछ कोशिश की। ये कुछ ऐसा है, मैंने अपने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था कि आप कभी भी नोटिस करना, अचानक से सम टाइम पे ऐसा होगा कि कोई गाना आपके सामने बजने लगेगा। लेट्स से कोई शादी का गाना बज रहा है, कंटिन्यू आप देख रहे हैं मॉर्निंग से, आप जहाँ भी जा रहे हैं शादी के गाने बज रहे हैं या रोमांटिक गाने बज रहे हैं, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आप नोटिस करेंगे ये जो रोमांटिक सॉन्ग्स कहीं ना कहीं कनेक्ट कर गए 2 चीज़ों से, या तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आने को है या कहीं शादी की बात पक्की होने को है। लाइक एक तरह से ईश्वर आपको तरीके तरीके से जो है एक साइन देता रहता है। कोई वीडियो आपके सामने, फॉर एन एग्जाम्पल कोई सडन पॉडकास्ट आपके सामने आ गया, अब ये पॉडकास्ट आपके लिए वेट लॉस के ऊपर है कि खान पान ऐसा होता है वैसा होता है, ये पॉडकास्ट चल रहा है। अब ये आपके सामने क्यों आया? क्योंकि माइंड में आपके चल रहा था कि यार मुझसे वेट लूज क्यों नहीं हो रहा, मैं करता तो इतना हूँ या करती तो इतना हूँ पर मेरा वेट लॉस क्यों नहीं होता। तो अचानक से वो पॉडकास्ट आया तो आपको ऐसे क्लैरिटी मिल गई, अच्छा हाँ मैंने ना यहाँ फ्राइड फूड बहुत खाया है, ये मुझे बंद करना पड़ेगा, है ना? क्लैरिटी मिल गई। क्या हुआ? यूनिवर्स ने आपको एक सिग्नल भेजा, एक साइन भेजा, जिससे आपको आपके आंसर मिल गए, ठीक है? सो अब आप समझ गए कि प्री रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है ये एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। अगर सॉन्ग्स, एंजल नंबर्स, लोगों को लगता है सिर्फ एंजल नंबर ही एकमात्र साइन है यूनिवर्स का, ऐसा नहीं है। एंजल नंबर्स, गाने, मूवीज, कोई पॉडकास्ट, अचानक से कुछ स्क्रीन पे बार बार रिफ्लेक्ट हो जाना, फॉर एन एग्जाम्पल आप जब भी ओपन कर रहे हैं कोई बर्ड का फोटो आ जाना, फॉर एन एग्जाम्पल बार बार टाइगर दिख जाना, ये सभी चीज़ें यूनिवर्स का संदेश है। अगर आप पूरा दिन नोटिस करोगे
बहुत से लोग एंजल नंबर्स को देखकर परेशान हो जाते हैं कि अरे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं दीदी, बहुत बड़ी हाइप कर देते हैं, पर ये लोग जानते ही नहीं कि हमारी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हर एक चीज हमारे एंजल्स क्रिएट करते हैं एज ए साइन, एज ए संदेश, समझो एक वार्निंग बोर्ड रहता है हमारे सामने, जहाँ पर एक रेड कहीं ना कहीं एक बोर्ड लगा रहता है और बोलता है स्टॉप, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर अगर ग्रीन बोर्ड है तो ये आपको कह रहा है आगे बढ़ते रहो, रुको मत, ठीक है। बहुत से लोग मुझे क्या कहते हैं, दीदी मुझे 111 दिख रहा है, मैं उनको कहती हूँ उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, तो वो लोग ना मुझे बोलते हैं दीदी मुझे याद नहीं, मतलब कई बार तब आपको 11 दिखता है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि अब ना मैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, और अब ना मैं अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दूंगा, मैं ना अब ये बिजनेस करूंगा, या ये कल से मैं शुरू कर दूंगी, या ये आज से मैं शुरू कर दूंगी, तो यूनिवर्स आपको वो नंबर्स दिखाकर कहता है तथास्तु, यू आर गोइंग गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, यही मैं चाहता था। इसी तरह एंजल नंबर्स, कोई भी साइन बोर्ड, सबको ना उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो संदेश आपको कभी समझ नहीं आया, फॉर एन एग्जाम्पल आपको बहुत बर्ड्स दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये बर्ड्स क्यों दिख रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, उस पूरे दिन में किसी सॉन्ग के जरिए, किसी वीडियो के जरिए जरिए आपको संदेश मिलता रहेगा। मे भी अचानक कोई मूवी चालू हो जाएगी, मे भी कोई सीन चालू हो जाएगा, मे भी कोई, हाँ ये उन लोगों के लिए वैलिड नहीं है जो पूरा दिन रील्स देख रहे हैं, पूरा दिन शॉर्ट्स देख रहे हैं, एडिक्टेड है मोबाइल की तरफ, उन लोगों के लिए जो अपने कर्म ही नहीं कर रहे, जिनका पूरा दिन मोबाइल में है, लगे पड़े टाइम पास कर रहे हैं, उनको, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कोई भी संदेश को जानना, उनका फिर माइंड भी डिस्टर्ब बहुत रहता है। तो ज़्यादातर अगर ज़्यादा यूज़ आप कर रहे हो मोबाइल का, तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए साइन पकड़ पाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना मिक्सचर आपने, इतना रायता ले रखा है अपने माइंड में कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आई होप अभी आप ये चीज़ क्लियर समझ गए होंगे। अब हम रीडिंग के लिए तरफ जाते हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं चाहूँगी आप उनका ध्यान करें, ताकि उनकी एनर्जीज या आपके मन के सवाल आपको मिल सके, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, थी था बोलूंगी तो समझ जाना स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों आपके आपके लिए ही बोल रही हूँ, आपके पार्टनर के लिए ही बोल रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आज की क्या है। स्पिरिचुअल वर्कशॉप की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें, इससे पहले लेट हो जाए, प्राइस बहुत कम रखा है, जल्द से जल्द आपको क्लास ज्वाइन करनी है, आगे की डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। थोड़ी बहुत जो डिटेल्स इनके पास नहीं है, यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर की सच्ची भावनाएं। आपके पार्टनर की सबसे पहली एनर्जी में एक फ्लावर बनकर आई है, ठीक है। मैं ये चेक करने की कोशिश कर रही हूँ ये फ्लावर क्यों आया, जैसे फ्लावर्स के ना बहुत सारे पेटल्स, पंखड़ियाँ, फूलों की पंखड़ियाँ, और ये फूल जैसे रोज का फूल है, क्योंकि रोज क्यों समझ में आया, क्योंकि बहुत सारी पंखड़ियाँ जो लेयर बनी हुई है रोज की, उससे समझ में आया। यस, ये एक बंद गुलाब, पहले ओपन गुलाब आया, अब बंद गुलाब आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है फूलों की, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, इनके मन में आपके लिए प्रेम, रोमांस, या एक तरीके से आपके बारे में मिस करते हुए वाली एनर्जी, आपके साथ रोमांस करने की एनर्जी इनके अंदर आ चुकी है, यानी कि लव अंदर से इनको आपके लिए फील हो रहा है। आपके पार्टनर आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। इन्हें लग रहा है कि इस इंसान को, मतलब एक होता है ना कि अब मानोगे नहीं इस बात को, बहुत वियर्ड आपको लगेगी ये बात, बट जेन्युइनली जो मुझे दिख रहा है मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ, इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, जैसा आपका स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से आप इंटेलिजेंट हो, या जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो इन दीज डेज, इन दिनों आप अपनी लाइफ में जैसे खुद को, अपने आप को रखा हुआ है, जितना स्ट्रॉन्गर आपने खुद को बनाया हुआ है, हो सकता है आप अपना पेन अब किसी को नहीं दिखा रहे, हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग वो एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर आप खुद को हमेशा हंसता हुआ दिखाते हैं, नॉर्मल दिखाते हैं, और स्ट्रॉन्गर हैं, अपने लिए फाइट कर रहे हैं, मे बी स्ट्रांगेस्ट डीपीज, मे बी स्ट्रांगेस्ट स्टेटस, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे आप ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको ग्रो करते हुए दिख रही है, आपको गिरते हुए नहीं दिख रही, ऐसे दिख रहे हैं कि आप तो ग्रो कर रहे हैं, तो ये ग्रो करने की अचीवमेंट की एनर्जी को ऐसे देख रहे हैं कि यार ये इंसान ना काइंड ऑफ जैसे कितना इंटेलिजेंट हो गया है, या कितना इसमें मेच्योरिटी आ गई है, या इसमें कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपने बराबर का नहीं मान पा रहे, इन्हें लग रहा है कि अब आप उनसे काफी
आगे बढ़ चुके हो। अब यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, पैसे रुतबे की बात नहीं कर रही हूँ। हम में से ना बहुत लोगों को आदत है, हम अपने आप को ना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हम कहते हैं हम मोटे हैं, हम अच्छे नहीं दिख रहे, या हम जो है ठीक कपड़े नहीं पहनते, हमारा फलाना फ्रेंड बहुत अच्छा दिखता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अंदाजा नहीं रहता है कि बहुत से लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए हम एक सुंदर व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है। तो वही वाला हाल है जहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी पोटेंशियल का आइडिया नहीं है, बट आपके पार्टनर आपको इस तरह देख रहे हैं कि यार ये बहुत सही इंसान हो गया, यार ये तो ब्यूटीफुल भी हो गया और ये बहुत इंटेलिजेंट। बेसिकली आपके इंटेलिजेंस की ज़्यादा तारीफ हो रही है यहाँ पे, आपके नॉलेज की, आपके अंदर की मैच्योरिटी की ज़्यादा, क्योंकि ये आपके दिमाग की तरफ ज़्यादा देखते नज़र आ रहे हैं कि यार ये दिमाग से ना जो इमेच्योर था अब उसमें मैच्योरिटी आ गई है, बहुत संभल कर सोच कर बात करने वाला व्यक्ति, बहुत ग्रो करने वाला व्यक्ति। अब ऐसा क्यों दिख रहा है? अब हो सकता है आपने कोई स्टेटस डीपी या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं। अब आप मुझे बोलेंगे कि नहीं दीदी, हमारा डीपी तो दिखता ही नहीं, हमने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, हम उनसे हर्ट हो गए हैं, जो भी एक प्रोसेस है। तो ये जो आपने अपने अंदर पेशेंस दिखाया है ना, जो सब्र दिखाया है कि चलो अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम कौन हो, तुम उठो बैठो ये मत मेरे सामने, निकलो मुझसे, दूर हो जाओ, और इतने टाइम तक आपने इनसे वाकई बात नहीं की, जो लेवल ऑफ पेशेंस आपने रख के दिखाया है, इसकी भी ये कहीं ना कहीं दाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वेरी नाइस यार, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये इंसान अपने स्वाभिमान के लिए ऐसे लड़ेगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो लगा था ये आम लोगों की तरह है, ये रोएगा धोएगा या रोएगी धोएगी, गिड़गिड़ाएगी और वापस आ जाएगी पास में, क्योंकि आपने ऐसी एक्टिविटीज हमेशा की, नाराज होना, रूठना, मना लेना। बट दिस टाइम ये आपकी ताकत को देखकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे किसी दोस्त को कह रहे हैं कि यार मैं इस इंसान को मान गया, यार ये तो वाकई नहीं आया, ये तो वाकई नहीं आई, आई एम शॉक्ड, मुझे लगा था ये फलाना 15 दिन में आ जाएगा, ये एक महीने में आ जाएगी, ये तो मेरे बिना नहीं रह सकती, बट यार इसने तो मेरा कॉन्फिडेंस हिला दिया। तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को ऐसा लाइक अप्रिशिएट करने के लिए बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी बहुत सारी मिली है, मैं यहाँ पे कैंडल बंद कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ एक स्टेप ही कवर किया है और यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ चुकी है। ठीक है, सो हम पहले उसको फोकस करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे ज़्यादा मिली है ना, एरीज की, जेमिनी की और टॉरस की, स्कॉर्पियो की और एक्यूरस राशि की, ये राशियाँ मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 11 और 19 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए, सिर्फ दो नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे देखो हरा झंडा दिख नहीं रहा है, बट बार बार जैसे इंट्यूशन में अंदर से आ रहा है आवाज़, हरा झंडा, हरा झंडा, हरा झंडा। तो आई डोंट नो, शायद ये ग्रीन सिग्नल है आपके लिए यूनिवर्स का कि चलो ग्रीन सिग्नल है, आगे बढ़ सकते हो, या ये हरा झंडा आपके आसपास है जिसके वजह से मुझे बार बार अंदर से वो बोलते ना आवाज़ आ रही है, हरा झंडा, हरा झंडा। आई डोंट नो इसका क्या कनेक्शन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत स्टबन रहे हैं, हमेशा अपने मन की ज़्यादा करते हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, इनमें एटीट्यूड की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक सर्कल में है जिसमें ये हमेशा लोगों को ना झुकाना पसंद करते हैं, खुद लोगों के लिए झुकना पसंद नहीं करते, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बेंड करना पसंद नहीं करते। पर आप वो व्यक्ति हो जिसको लेकर ये वाकई मान गए, नहीं लग रहा है जैसे कि आप इन्हीं की तरह हो, आप भी जिद्दी हो, जब ये जिद पे आते हैं तो ये किसी की नहीं सुनते और इन्हें लग रहा है आप भी उनसे ज़्यादा जिद्दी हैं, उन्होंने आपको अपनी टक्कर का माना हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि जैसे अब आपके बराबर, उल्टा वो नहीं, वो उस लायक में नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि आप उनकी लाइफ के अब ऐश्वर्या राय बन चुके हैं या ऋतिक रोशन बन चुके हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा एक स्मॉल एक्टर समझ रहे हैं, बहुत ही स्मॉल, कि भाई मैं तो इतना कोई बड़ा एक्टर नहीं हूँ, ये तो भाई विश्व सुंदरी है और ये तो यार स्मार्ट या हैंडसम है और ये मैं इससे कम। नॉट बिकॉज ऑफ लुक्स, आप लुक्स के वजह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहे हो, आप अपने इंटेलिजेंस और पेशेंस की वजह से अप्रिशिएट किए जा रहे हो कि यार इसमें पेशेंस बड़ा आ चुका है। ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हैं, यहाँ पर डेस्परेशन की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ये ओवरऑल एरिया में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है, ऐसा लग रहा है बार बार आना जाना, आना जाना, आना जाना, मुझे बात करनी है, नहीं करनी है, बात करनी है, नहीं करनी है। नहीं करने का कारण क्या है? नहीं करने का कारण बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में आपका बर्ताव, पास्ट में आपका बहुत बुरा बर्ताव रहा है। आप मानेंगे नहीं, इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, बट आपका बर्ताव या आपके बात करने का तरीका इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इन्हें पास्ट में आपकी किसी तरीके के बिहेवियर से बहुत एतराज़ हुआ, इन्हें लग रहा था कि आप इन्हें शक बहुत कर रहे हैं, आप शक करते हैं, आप स्टक बिहेव करते हैं, यानी कि आप जो है
बहुत एग्रेसिव पर्सन बन चुके थे, बात करने में भी आप सोचते नहीं थे, बहुत ही वियर्ड बिहेव करते थे, बच्चों वाला हरकत, इम्पेशेंट हो जाना, परेशान हो जाना, जरा सी बात पे ना एकदम से एग्जॉस्ट हो जाना, खुद परेशान होना, इन्हें अलग परेशान करना, वो वाली एनर्जी है जहाँ पर ये आपको जब पीछे मुड़कर देखते नजर आ रहे हैं, लग रहा है यार इस इंसान ने मेरे प्रति इतना ऑब्सेशन रख लिया था एक टाइम पे कि ये इंसान ना समझ ही नहीं पाता था सही गलत के बारे में। अब मैं इस इंसान से कैसे बात करूं, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि अगर मैं आज इससे बात करूं कल फिर ये मुझसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। ऑब्सेस्ड का मतलब होगा होना पागलपन, जो होता ना कि वो पिक्चर डर पिक्चर में किरण वाली, शाहरुख खान वाली एनर्जी, तो वो वाला पागलपन। इन्हें लग रहा है कि आप में एक पागलपन रहा था बहुत लंबे टाइम पहले, आप में से कई बार अपने अंदर की एनर्जी को नहीं नोटिस कर पाते, कई बार हमें पता नहीं रहता हम भी टॉक्सिक हो, ठीक है, हमेशा हमें लगता है सामने वाले टॉक्सिक, कई बार हम लोग रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उस पूरे प्रोसेस में हम भी कहीं टॉक्सिक रह चुके होंगे। तो ये व्यक्ति ना पास में देख रहे और सोच रहे यार इस इंसान का कोई भरोसा नहीं, आज तो ये व्यक्ति बहुत मैच्योर हो गया, आज तो इसमें इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया है, आज इस इंसान को लेकर मन करता है कि इससे बात करूं, इससे मिलूं, इसके करीब आऊं, इसको ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर मैं कैसे जाऊं, क्योंकि अगर मैं गया या मैं गई तो हो सकता है ये वापस से पास्ट वाली ऊर्जाओं में आ जाए, ये फिर मेरे पीछे जो है क्लिंजी एक्ट करे। क्लिंजी है मतलब समझ रहे हो, चिपक जाना, किसी इंसान के पीछे चिपक जाना, विक्रम बेताल समझते हो, विक्रम बेताल वाला जोड़ा बन जाता है, या वो अभी न्यू पिक्चर आई है ना मुंजिया, आप मुंजिया बन जाते हो। तो इन्हें ना वो पसंद नहीं है, इन्हें लगता है आप अपनी लाइफ पे ना फोकस नहीं करते उसके बाद, और खुद परेशान होते हैं, इन्हें परेशान करते। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको पुरानी स्थिति में दोबारा ड्रैग करके ले जाना नहीं चाहते, ये आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह चाहते। इन्हें लगता है इंसानों वाला प्यार, पर आप पागलों वाला प्यार कर रहे हो, पर उन्हें उस पागलपन वाले प्यार से एतराज है। इन्हें लगता है कि प्यार करो लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा को पार मत करो, उस सीमा के चक्कर में ना एक दूसरे का दिल दुखाना है, ना उनके उनको पाने के लिए या उनके साथ अच्छे रहने से अच्छे उनके साथ अच्छे से रहने के लिए दूसरों का दिल दुखाना है, यानी कि परिवार को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, खुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। इन्हें लग रहा है कि आज के डेट में आप एक ऐसे मैच्योर वूमन या मैच्योर मैन बन चुके हो जो अच्छे से सुनते हो। अगेन कह रही हूँ, आप उनको बोलोगे दीदी ये इंसान को तो मैंने ब्लॉक किया, ऐसे कैसे पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में जिस तरह से आपने रिएक्ट नहीं किया, ओवर रिएक्ट करने की जगह आप शांत बैठे हैं, अच्छे से नॉर्मली अपना काम धाम कर रहे हैं, ये आपके बिहेवियर में जो सादगी आ गई है सडनली, इस बिहेवियर से इन्हें लग रहा है कि यार ये तो बहुत मैच्योर है, अब ये सुनने वालों में से, अब ये सुनेगा। सुनने का मतलब ये नहीं कि ये उल्टी सोटी खरी खोटी सुनाएंगे और आप सुनेंगे, नहीं नहीं सुनने का मतलब आप अगर ये बात करेंगे ना तो आप मैच्योरली सुनेंगे कि हाँ क्या हुआ, या आपको बताएंगे ना ऐसा ऐसा हुआ, तो ये ध्यान से आप सुनोगे, आप इंटरप्ट नहीं करोगे, फिर एंड में आप अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कर सकते हो, ऐसी एनर्जी इन्हें लग रहा है। पर कल तक इन्हें लग रहा था कि आप एग्रेसिव पर्सन हो, आप सुनते ही नहीं हो, आप अपनी ही बोले जा रहे हो, आप अपने तरफ से बड़े बड़े मैसेजेस, बड़े बड़े रिकॉर्डिंग्स, बड़े बड़े कॉल, बार बार कॉल करना, इरिटेट करना, या अगर ये आपको बोल रहे हैं ये परेशान है तो उस चीज़ पे शक करना कि अच्छा ये तो मुझसे झूठ बोल रहा है परेशान है, या परिवार वालों को परेशान करना, खुद को परेशान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाना, इतना ज़्यादा ईगो में कि सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ वाली एनर्जी में चले जाना, इन्हें लग रहा है कि वो ऑब्सेशन आपका अच्छा नहीं, ये आपको अभी भी बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके प्यार में ना बड़ी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। इन्हें लग रहा है कि मैच्योरिटी है, प्यार है, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, प्यार है तो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट इन्हें डर यही लग रहा है कि यार आज मुझे इससे प्यार तो है, मुझे इसकी तरफ जाना तो है, और यहाँ पर कन्वीनियंस नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी इच्छा है, आज बात करने का मन है तो जाना है, नहीं। इन्हें लग रहा है कि अब आप शायद समझ पाएंगे, आप सेंसिबल पोजिशन पे हैं, आप शायद इनके रिश्ते में आप रह सकते हैं, पर अभी भी एक डर है जो इन्हें पीछे की तरफ खींचता हुआ, ये पूरी देखो लाइन पीछे की तरफ जाती हुई और यहाँ पे एक एरो बनाती नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति पास्ट के इस एग्रेसिव, यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये व्यक्ति, इस इंसान के हाथ में ना फायर है, इस इंसान के हाथ में चंचलता है, गुस्सा है, यहाँ पर वो गर्म दिमाग का दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में फायर है, और ये फायर ना सबको परेशान कर रही है, फायर ना सबको नुकसान पहुंचा रही है, और ये इंसान उसी तरफ देखता नजर आ रहा है, बोला यहाँ पर ये बच्चे वाली हरकत हुई है, ये सब चीज़ें हुई है, अब इस इंसान से अगर कनेक्ट कर लिया क्या भरोसा यार ये फिर वही ना कर ले। अगर एक और चीज़ नोटिस करूँ, यहाँ पर एक दिल बन गया है, ब्यूटीफुल सा दिल जिसमें एक प्यारा सा एरो बना हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये व्यक्ति आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा है, लेकिन या कर रही है, लेकिन इसका एरो देखो कहाँ जा रहा है, यूजुअली क्यूपिड का एरो कहाँ जाता है, क्यूपिड का एरो नॉर्मली यहाँ तक खत्म हो जाता है, ब्रेक पॉइंट आ जाता है ना, यहाँ पे देखो उसका एरो कहाँ जा रहा है, ड्रैग होता हुआ पास्ट की तरफ जा रहा है, और पास्ट की तरफ की एंगल क्या है, एक मिनट समझाती हूँ, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है।
ठीक है। प्रेजेंट में यहाँ लव बन गया, दिल बन गया, यहाँ फूल बने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यूपिड की एनर्जी भी है, लव है, यहाँ पर एरो बना है। लेकिन प्रेजेंट की सिचुएशन में फ्यूचर में जाते जाते यहाँ देखो फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेस्परेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कैंडल बैक से रीडिंग का मैं बहुत जल्दी आप लोगों को कोर्स लॉन्च करके बताऊंगी, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज मेहरबानी करके आप लोग समझिए, आप लोग मैसेज करना शुरू कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुना कीजिए। जब तक कोर्स लॉन्च नहीं हो रहा है, अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, आप मैसेज मत कीजिए उसके रिलेटेड, ठीक है। अभी जो कोर्स लॉन्च हो रहा है वो स्पिरिचुअल जर्नी का लॉन्च हो रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी उन लोगों की, जिन लोगों की रियूनियन नहीं हो रही है, जिन लोगों की रिलेशनशिप में वो स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे प्रोसेस करें, बड़े बड़े बाबाओं के पास जा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं और पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो प्रोसेस ठीक तरीके से करना है वो समझ ही नहीं पा रहे, स्पिरिचुअल जर्नी का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका एक प्रॉपर एक क्लास होने वाला है, एक दिन का वर्कशॉप होगा जो करीबन 2-3 घंटे का होगा। मैं अराउंड इसको September 22 को करूंगी, क्योंकि September 22 को संडे है, और इससे पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, तो त्यौहार के बाद September 22 मुझे दिख रहा था कि संडे है। उस एक दिन को मैंने कैसे भी, मतलब आप लोग सबसे भाई, वो वर्कशॉप को ना मैंने बहुत स्मॉलेस्ट बजट पे लॉन्च किया कि भाई जितने लोग हो सकता है ज्वाइन करो। उसमें भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, जानबूझ के नहीं देती हूँ ताकि आप लोग क्लास अटेंड करें। आधे से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, सोचते बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और नहीं देखते, ध्यान नहीं देते। इसलिए लेक्चर अटेंड करना ज़रूरी होता है 3 घंटे का, आपकी रिलेशनशिप में आप में बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को चेंज कर सकता है। तो वो मैंने अनाउंस किया, उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हो। कैंडल वैक्स रीडिंग का जो कोर्स मैं लॉन्च करूँगी अराउंड अक्टूबर में लॉन्च करूँगी, ठीक है। मैं इसका पहले भी एक वर्कशॉप कर चुकी हूँ, बहुत लोगों को पसंद आया था, बहुत लोग बहुत कुछ सीखे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो खुद का जो है ये करना भी शुरू किया, अपने वीडियोस भी बनाए और मुझे बाकायदा भेजे थे लिंक्स उन लोगों ने कि उन लोगों को बहुत मज़ा आया था। तो अगर वो रहा तो वो अक्टूबर में लॉन्च होगा। उसकी इंक्वायरी के लिए आपको जब अनाउंसमेंट होगी, जब पोस्ट आएगा सर, तभी मैसेज कीजिएगा। मेहरबानी करके इससे पहले मैसेजेस मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान कर लेते हो, आप मेच्योरिटी नहीं दिखाते हो। मैंने टैरो कोर्स अनाउंस ही नहीं किया तब भी परेशान कर रहे हैं, कैंडल वैक्स अनाउंस ही नहीं किया तब भी परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जो अनाउंस कर रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप वगैरह है कि भाई उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, जर्नी भाई कैसे पता करनी है, उस जर्नी में प्रोसेस क्या है, पोर्टल्स का इसमें रोल क्या होता है, आपको क्या क्या करना होता है, इसके आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम यानी कि अंत में आपको क्या प्राप्त होता है, साथ ही साथ अंत में जो प्राप्त होता है उसमें आप लोग क्या फेस करते हैं, लाइक आउटकम के आगे की कहानी क्या होती है, मेरे बारे में मेरी पूरी जर्नी कि भाई मेरी लाइफ में क्या हुआ था, क्या कहानी थी, क्यों मैं इतना एक्सपीरियंस रखती हूँ, कितने सालों की पढ़ाई, बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए, क्या किताबें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें और एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिसका होल सोल ज्ञान। मैंने इतने वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने इतने सारे वर्कशॉप्स खुद पर्सनली अटेंड भी किए हैं, लोगों के किताबें बहुत सारी पढ़ी है, वो पूरा जो एकत्र करके एक ज्ञान है वो आप लोगों को देने वाली हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन है उससे आपको निकालने वाली, तो उस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। इससे पहले भी हमारी ये वर्कशॉप हो चुकी है, करीबन 500-600 लोगों ने ज्वाइन किया था, इस बार फिर से करने जा रही हूँ, तो ये साल में एक ही बार होता है, इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो है आपके सामने स्क्रीन पे, जो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो है अप्लाई करना है। एक लिंक दी जाती है, लिंक में आप अच्छे से पूरे वर्कशॉप की डिटेल्स पढ़ने के बाद पे करते हैं, पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं, टीम आपको कन्फर्मेशन भेजती है, समझ गए चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस आप लोगों की ट्रेनिंग पे यहाँ पर फोकस करवाती हूँ। ये फ्यूचर, ये पास्ट, ये प्रेजेंट। यहाँ पर दिल का क्यूपिड देखो कहाँ जा रहा है, दिल का क्यूपिड जा रहा है पास्ट की तरफ, ये रहा एरो, पास्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। पास्ट की तरफ क्या जा रहा है, ये एक एग्रेसिव पर्सन जिसने देखो उसकी फायर, अब देखो धीरे धीरे जितना हमने टाइम लगाया उसमें देखो धीरे धीरे ये व्यक्ति यहाँ फायर लगाता हुआ, अब इसका फायर ज्वाइंट हो गया, यहाँ पर फायर लगाता हुआ ये देखो इस दिल को भी जला रहा है। अगर देखो फायर ज्वाइंट हो गई, यहाँ एक व्यक्ति है जिसके हाथ में आग है, आग उगल रहा है, इसमें एक्टिविटीज जैसे एक स्थिर दिमाग नहीं है, एक स्थिर दिमाग नहीं, हाथ पैर चला रहा है, धड़ 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 कर रहा है, और यहाँ से इसकी फायर जो है देखो कैसे ऊपर की तरफ जाते हुए इसके दिल को चला रही है, इसके दिल के हिस्से को कनेक्ट कर रहा है। तो इन्हें लगा कि आपकी एक्टिविटी से इनका दिल टूटा है पास्ट, या आपकी एग्रेसिव एनर्जी, आपका गुस्सा, आपका बर्ताव, आपके बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर पास्ट में ऐसा रहा जिसने दिल तोड़ा। तो अब ये डर रहे हैं इस बात से कि यार इस नाव पे तो मैं पैर रख लूँ, पर क्या ये नाव ठीक से चलेगी, या ये मुझे फिर तूफान में डाल देगी, ये कहीं मुझे फिर से तूफान तो नहीं फेस करवाएगी, क्या इसमें इतनी मैच्योरिटी होगी कि ये मेरी बात को समझेंगे या समझेंगी। नंबर 2 बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, शायद आपका ही आपके पार्टनर का नंबर है। आपके अंदर की एनर्जीज क्या है, लेट्स सी, इसे मैं यहां से हटा रही हूँ।
अभी तक जितने जितने लोगों को रीडिंग में मजा आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए। डोनेशन वगैरह के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से आप बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं आप, एनजाइटी और बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा तकलीफ और पेन दिखाई दे रहा है। कारण रोने का क्या दिखाई दे रहा है? कारण दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता, लोग आपको सही से समझते नहीं, लोगों के आसपास होने के बाद भी आप बहुत हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत पेन में हैं। पिछले कुछ दिनों से आप पेन में हैं और किसी को बता भी नहीं पा रहे कि ये पेन कितना ज़्यादा है। मतलब ये आपके लिए ऐसा है कि मानो कोई आइडिया नहीं लगा सकता इस चीज़ का, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। और आप इस अकेलेपन से अकेले ही जूझते नजर आ रहे हैं। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेट नाइट में अकेले अकेले रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, हेल्थ खराब कर रहे हैं, माइग्रेन या आंखों में दर्द की परेशानी दिखाई दे रही है। दिक्कत सिर्फ ये है स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, आपका फ्यूचर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, आपको अपनी हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही अपनी लाइफ में, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है आसपास कोई जैसे है ही नहीं जो आपको समझ सके, आप अपने अंदर बहुत खालीपन और एक मायूसी का एहसास कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अपकमिंग इवेंट में कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये करंट एनर्जी में आ चुका है। अभी तो फिलहाल आपको आप खुद को बेटर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी भी आप पेन में हैं, हीलिंग नहीं हुई है, हीलिंग नहीं हुई है, यहाँ पर पेन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। हीलिंग की आप कोशिश कर रहे हैं, लाइट जाते जाते बची, शायद जाएगी तो फिर से रोकूंगी और फिर वापस शुरू करूंगी। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी में धीरे धीरे आप खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपकमिंग इवेंट में या कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है ये, आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप हर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों से, आप आसपास की हर एनर्जी से बहुत हर्ट हो चुके हैं, आप थक गए हैं, आप लोगों से डील करते करते, हर एक इंसान से कार्ड्स देखते हुए, रीडिंग्स देखते हुए, लोगों के बारे में सुनते हुए, 50 पंडितों को दिखा दिया, 50 टैरो रीडर्स को दिखा दिया, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, थक चुके हो, बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो, आपको लग रहा है कि इस तरह सिचुएशन नहीं, आप अपनी इच्छाओं से भाग रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लेट गो कर दिया आपने कि अब मुझे इस चीज़ के, इस इच्छा के पीछे नहीं भागना है। आपके ठीक देखो बॉटम में क्या है, कल तक ये इच्छा आपके लिए बहुत महत्व रखती थी, इनका एक होना, आपका दोनों का बीच में प्यार होना, ये सब आपके लिए बहुत मायने रखता था, बट अब आप इस इच्छा से दूर हो रहे हैं, आप इस इच्छा को लेट गो कर रहे हैं कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए ये सब, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अंदर से टूट गए हैं बहुत बुरी तरह, आप थक गए हैं, अंदर से आपके टूटने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई, जस्टिस नहीं हुआ, आप ईश्वर से नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि आपके साथ अन्याय हो गया, आपने हमेशा सबको सर्व किया, सबसे प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको अंधेरे में या अंधकार में छोड़ दिया, जिसको आप समझ नहीं, आप खुद को बहुत ज़्यादा जैसे कि एक डेड सिचुएशन में फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप एक डेड सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुद को जिंदा ही महसूस नहीं करते, आप खुद को बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप स्थिति से बहुत परेशान हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्थिति जो है वो आपको इरिटेट कर रही है, आपके अभी के आसपास के सिचुएशंस आपको बहुत परेशान कर रहे हैं इमोशनली। ऑब्स्टेकल ये है आपको प्यार नहीं मिला, प्यार की कमी है आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में आपको सच्चा प्यार, ऑनेस्ट लव, प्योर ट्रू लव नहीं मिल रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, आप खुद एक रोमांटिक पर्सन है लेकिन आपको प्यार रिटर्न में नहीं मिला, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में प्यार ना मिल पाने की अब एहसास को ख़त्म कर रहे हो, मूव ऑन करने की एनर्जी दे रहे हो, इच्छाओं को दूर रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि आप नए लोगों से आने वाले समय में मिलना चाहते हैं, नए लोगों से ये नहीं कि शादी के लिए, आपको लग रहा है कि अब आपको अपनी सोशल लाइफ एक्सपांड करनी चाहिए, नए लोगों से बात करनी चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए या बाहर आना जाना चाहिए, दिस टाइम आप खुद को सीरियसली लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि अब मुझे मेरे अपने आप को ज़्यादा फोकस करना है ना कि इन सब चीज़ों को। अब हर्ट भी थर्ड पार्टी की वजह से है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों में जो क्लियरली दिख रहा है कि जिसके वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है वो एक होता है ना कि
जहां पर आप क्विट कर रहे हैं, इस लड़ाई में आप लड़ना ही नहीं चाहते, आप इस रोज रोज की लड़ाई में, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर भी आपके साथ नहीं, आप अकेले ही इस लड़ाई में मैदान जंग कर रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं, आपको कुछ हो मतलब लाइक हर्ट हो रहा है, दिन ब दिन हर्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से आप क्विट कर रहे हैं। और आप आने वाले समय में अपनी सोशल लाइफ को एक्सपांड करने के बारे में, कोई सेलिब्रेशन, कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप सिर्फ अपने पैसों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को, इस सिचुएशन को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये पेनफुल है आपके लिए, आई कैन सी दैट कि ईजी नहीं है आपके लिए, बट आपको लग रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो गई, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आप इस पेन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप अंदर कितने दर्द से गुजर रहे हैं, कितना अकेलापन और कितनी मायूसी आपके अंदर आ चुकी है, और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ होगा कि आप जो है उनसे दूर जाने का ऑलरेडी निर्णय ले चुके हैं, क्योंकि आप थक गए हैं रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से, रोज़ रोज़ के इशूज़ से, उनका इंतज़ार करते करते आप बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, जहाँ पर अब आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते, अपनी ज़िंदगी में खुद को पहले, खुद को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं और किसी चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहते, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अब अपने आप को पहला मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा लव फील करने लगे हैं और आपको उनके लव फील करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। पता है ये मैसेजेस बहुत पावरफुल हैं, मैंने खुद कई बार अपने क्लाइंट्स के लिए निकाले हैं, मैंने नोटिस किया है कुछ है इस चीज़ में, ठीक है, आपको लगेगा मैं बड़ा बड़ा के बोल रही हूँ बट कसम से बोल रही हूँ कुछ है इस चीज़ में। मैंने अपने आसपास के लोगों को, खुद पर्सनली खुद के लिए भी इस चीज़ को टेस्ट किया है, ये मैसेजेस में कुछ है, कुछ तो एक अलग लेवल ऑफ पावर है कि मतलब कई बार कार्ड्स भी जो बता नहीं पाते ना, कई बार ये मुझे मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कार्ड्स नहीं बताते, कार्ड्स बताते, पर कई बार ये मैसेजेस बहुत सारी उसी बात को बोलते हैं जो एग्जैक्टली रीडिंग्स में आ रहे हैं या एग्जैक्टली हो रहा है उस टाइम पे। तो समवेयर एक जादू है इसके, मेडिटेशन में वाकई इस पे बहुत असर हुआ, इसका वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्गर हुआ कहीं ना कहीं। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग बिलीव करते हो कितने लोग नहीं, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या है। लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे और फिर रीडिंग को एंड करेंगे, ओके। रीडिंग लंबी है, अगर आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, ये व्यक्ति अभी तक आपको अप्रोच नहीं किए हैं और अभी तक रेडी नहीं है, जिससे आप इमोशनली और ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं बीच बीच से ही निकालती हूँ ऐसे, ट्रस्ट मी आई रियली लव यू, ये आपको प्यार बहुत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे मालूम है ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इस प्यार का आप अचार डालेंगे अगर वो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इस प्यार का क्या ही करना आपको, है ना। वो लगता है ना कि ऐसा प्यार किस काम का जिसमें आप सामने वाले का कोई एक्शन ही नहीं दिख रहे। हैप्पी बर्थडे, देयर आर चांसेस कि आपका बर्थडे नज़दीक में आने वाला है और इस बर्थडे पे ही आपके पास आने वाले हैं, बर्थडे के टाइम अचानक से सरप्राइज मिल सकता है, अगर आपका बर्थडे नज़दीक है तो, कोई एनिवर्सरी या बर्थडे नज़दीक है तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है या तब आने वाले हैं। आई एम हेल्पलेस, ये इस वक्त नहीं आ सकते, ये बहुत हेल्पलेस है, ये इस वक्त मजबूर है, ये चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए सब तैयार नहीं हो वाली एनर्जी है। मुझ पर एक बार भरोसा करने की कोशिश करो, इन्हें लगता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से ही आप लोगों के रिश्ते ख़राब हुए हैं और पास्ट में भी आपने ऐसे बिहेव किया है, इन्हें लगता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करते और ये चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा करें। मैं ही हर बार क्यों प्रूफ दूँ, इन्हें लगता है प्यार का प्रूफ इनको ही हर बार क्यों देना है, आप इन पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते आखिर। तुम्हें दिल से अपना मानता हूँ, ये व्यक्ति आपको अपने दिल से बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, सोलमेट हैं हम, आपके पार्टनर और आप दोनों सोलमेट हैं। डोंट कॉल मी, इस वक्त वो नहीं चाहते कि आप उनसे बात करें, इस वक्त आप उन्हें कॉल भी मत करो, क्योंकि ये करंट एनर्जी में तो वैसे भी कैंडल्स में भी नहीं दिख रहा है कि कोई एक्शन लेंगे, इस वक्त तो बहुत कंफ्यूज हैं, इस वक्त ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, तुमसे मिलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, आपसे मिलकर ही बात करेंगे, ये मुझे नहीं लग रहा है कि कॉल करेंगे आने वाले समय में, नहीं अचानक से एंटर करेंगे, देर आर चांसेस कि आपके बर्थडे आने वाला है, बर्थडे पर बात होगी। हेल्थ ठीक नहीं रहती आजकल, आजकल इनकी सेहत ठीक नहीं रहती, मुझे भी तकलीफ होती है बस मैं दिखाता नहीं, ये व्यक्ति अपनी तकलीफ नहीं दिखाते, इन्हें पेन होता है। न्यू पेट, देर आर चांसेस कोई न्यू पेट इनकी लाइफ में आ रहा है या कोई न्यू पर्सन है या मे बी अ पर्सन, कुछ न्यू एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर पेट है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि पेट ही आ रहा है। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप मानो ना मानो ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, आप भले विश्वास न करें इस बात पे,
पर ये विश ये आपको इस बात का प्रूफ देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। सो ये आप लोगों की रीडिंग रही, अब हम गाइडेंस देख लेंगे। मैं रीडिंग एंड करने वाली थी पर मुझे रियलाइज हुआ कि आपके लिए गाइडेंस बाकी है, बहुत से लोग गाइडेंस देखना पसंद करते हैं। अभी तक रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है आपके सामने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हीलिंग वगैरह के लिए ब्रेसलेट वगैरह बनवाने हो तो अमित सर का नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। वर्कशॉप के लिए डिटेल्स ऑलरेडी दे दी हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन करना, बहुत पता है साल में एक बार ही होता है, फिर उसके बाद आप लोग आते हैं और बोलते हैं कि दीदी हमने मिस कर दिया। यार कंप्लीटली आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, आप किसी भी तरीके से मिस कैसे करते हैं, आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं एक एक महीने पहले जानबूझ के अनाउंस करती हूँ ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए, पर बहुत लोग क्या करते हैं जब सीट्स ऑक्यूपाइड हो जाती है तब आते हैं या एकदम एंड डेज में आकर बुकिंग करते हैं। एंड डेज में क्यों बुकिंग कर रहे हो यार, लास्ट मिनट बुकिंग पे मत भरोसा करो, कब बुकिंग बंद करते हैं कोई ट्रस्ट नहीं। मतलब मेरा ना ऐसा है कि मैं देखती हूँ कि यार अति होता चला जा रहा है, जैसे मेरे को टेंशन, मेरे हाथ पर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा लोग हो गए, मेरे को नहीं लगता मैं इतना क्लास में इतने सारे लोग लूंगी। मैं तुरंत सबको फिर बोलती हूँ बुकिंग बंद कर दो, पूरी टीम को मना कर देती हूँ कि कुछ भी हो जाए लेना मत, फिर कुछ भी हो जाए वो लोग नहीं लेते। तो वो टाइम का वेट क्यों कर रहे हो, जो भी है फटाक से आप लोग बुकिंग कर लो अपनी, लास्ट मिनट के लिए वेट मत करो। और अमाउंट बहुत स्मॉल रखा है मैंने, यूनिवर्स मुझे बताएं एक क्लास है 3 घंटे का 2 घंटे का, अटेंड करो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी तो, है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस रिलेशनशिप या ओवरऑल उनकी लाइफ के लिए। मैं रिलेशनशिप पे नहीं बोलती हूँ, मैं ओवरऑल लाइफ के लिए देखती हूँ, ठीक है, कि आपकी लाइफ में अभी इस वक्त के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है। नाइन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट डिजर्व लव, आपने ये मानना शुरू कर दिया है कि आपको प्यार नहीं मिल सकता या सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, या आपको लगता है कि अब आपके पार्टनर लव नहीं करते। लव को लेकर मैं कहीं ना कहीं आपका मन टूट गया है, आप प्यार पे भरोसा नहीं कर पाते। प्यार, लव, परिवार, लोग, आसपास की चीज़ें, ट्रस्ट आपका हिल गया है बहुत बुरी तरह। यूनिवर्स कह रहा है कि यू डिजर्व लव, आपको क्यों लगता है आपको प्यार नहीं मिलेगा, आप टूट गए हो, पॉइंट है, आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो, लेकिन दैट डजंट मीन आपको लव नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ में उसी तरह स्टेबिलिटी लिखी हुई है जैसे दूसरों की लाइफ में लिखी गई है, आपकी ज़िंदगी में भी स्टेबल होगा, आपकी लाइफ में भी एक राजकुमार राजकुमारी लिखी गई है, आपकी ज़िंदगी में भी आपके सोलमेट आपके लिए हैं। आपको बस अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। पीछे मुड़कर देखने से आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए पीछे देखना बंद करो, स्टॉप लुकिंग एट योर डिसअपॉइंटमेंट्स। आप अपने डिसअपॉइंटमेंट्स पे, अपने फेलियर्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आपको पता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मैं बहुत लोगों को ना रीडिंग में भी बोलती हूँ, जब मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी होती है ना मैं तब भी बोलती हूँ, यार प्लीज़ वेट मत करना, तुम लोग एक गलती कर रहे हो, तुम वेट मत करना। तुम लोग एक क्राइटेरिया पूछ लेते हो आकर मुझसे, फलाना पर्सन कब आएगा, मैं बोलती हूँ मैं बता तो दूंगी, उसी टाइम आएगा भी देखना, लेकिन वेट नहीं करना। तुम वेट करोगे तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुम अजीब हरकतें करोगे, क्योंकि होता ही है, हम ह्यूमन है ना, हमें पता रहेगा कि अप्रैल में बंदा आ रहा है ना, तो हम अप्रैल की स्टार्ट में ही पागल होना शुरू हो जाएंगे। शायद उससे एक महीने पहले आया नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक आया नहीं। उस डेस्परेशन के चक्कर में ना हम अपने अंदर ना एक डर बिठा रहते हैं, फियर, जिसे हम अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ अप्रैल में है वो डिले हो जाती है। फिर पता है क्या होता है, वो चीज़ जो मैंने अप्रैल में बोली, आपका मन टूट गया, अब आप नाराज़ हो गए, आपने क्विट किया, अब आप वेट ही नहीं कर रहे हो, भाड़ में गए, मुझे वेट ही नहीं करना। आपने नोटिस किया, आपने एक महीना अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे ध्यान दिया, बोला भाड़ में जाओ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, थक वो उसी वक्त ही आए। क्राइटेरिया सही था, यानी कि अप्रैल में उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, पर आपने मैनिफेस्ट खुद करके डिले किया इस चीज़ को। इसीलिए कभी भी बोलती हूँ, या तो डेट्स पता मत करो अपनी ज़िंदगी के, और अगर कर भी रहे हो तो इस तरह वेटिंग एनर्जी क्रिएट मत करो, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, यानी कि यूनिवर्स को साइन दे रहे हो कि वो मेरे पास नहीं है और मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझसे सब छीन लेगा, तो वो वही देगा आपको, वो आपको छीन के दिखाएगा, ठीक है। तो ये मत करो अपने साथ, यहाँ पर ट्रस्ट करो खुद पर, लव आपको ज़रूर मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप लव का वेट करो, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि बस आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ो मत,
पीछे मुड़कर मत देखो, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी लिख रहा हूँ, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कुछ जानकारी आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।